हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लस्सी और शरबत। ये पीने में तो बहुत ही मज़ेदार रहते हैं। आप इसे इफ्तार में सर्व कर सकते हैं समर में, या फिर किसी पार्टी में भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सब्ज़ी के बीज हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर समर में। चलिए आज हम उसी को यूज़ करते हुए कुछ ड्रिंक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्ज़ी के बीज भिगा लेंगे। ग्लास में पानी डालेंगे, पानी हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे। पानी डालने के बाद अब इसमें डालेंगे सब्ज़ी के बीज। मैं 1.5 टीस्पून सब्ज़ी के बीज डाल रही हूँ। ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसे आप कोई भी ठंडाई में यूज़ कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ख़ासकर समर में और रमज़ान में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। पानी में डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरीके से इसे छोड़ देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। ये अच्छे से भीगने के बाद इसे यूज़ करते हुए कई तरीके के शरबत बना सकते हैं। इसे आप मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं और लस्सी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे से भीगने तक चलिए हम लस्सी बनाने के लिए दही फेंट लेंगे। सब्ज़ी के बीज आपको किसी भी ग्रोसरीज के शॉप से मिल जाएंगे, या फिर इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। आज के समर स्पेशल शरबत और लस्सी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के मज़ेदार रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंच जाएं। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लस्सी बनाने के लिए बिल्कुल गाढ़ा और फ्रेश दही यूज़ करेंगे। इसे ग्राइंडर जार में डाल के फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसे विपर से भी फेंट सकते हैं। आप जितने ग्लास लस्सी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप दही की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 ग्लास लस्सी बना रही हूँ, इसीलिए 2 चम्मच दही यूज़ करूँगी। दही डालने के बाद इसमें डालते हैं बिल्कुल ठंडा दूध। कोशिश करिए कि इसमें ठंडा दूध ही यूज़ करें। हम आइस क्यूब बिल्कुल कम डालेंगे। अगर आइस क्यूब ज़्यादा डालेंगे तो लस्सी पतली हो जाएगी। हम लस्सी को गाढ़ी रखने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध बिल्कुल ठंडा लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टीस्पून रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़े की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे फेंट लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं रूह अफ़ज़ा भी काफ़ी मीठा होता है। शुगर आप अपने स्वाद अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लस्सी को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा लेंगे, इस तरीके से ग्लास में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे लस्सी जो हमने फेंट के रखे हैं। आप भी एक बार इस तरीके से लस्सी बना कर देखिए, गाढ़ी और मज़ेदार लस्सी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें आइस क्यूब्स बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना लस्सी पतली हो जाएगी और इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। जब भी हम लस्सी बनाएंगे दूध और दही दोनों ठंडा लेंगे तो इसमें आइस क्यूब कम से कम यूज़ होंगे, तो लस्सी हमारी गाढ़ी बनेगी। अब इसमें 1 आइस क्यूब डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से इस पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे, मज़ेदार लस्सी को सर्व करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लस्सी तो बन चुकी है। अब हम सब्ज़ी के बीज को यूज़ करते हुए एक और ग्लास लस्सी बनाएंगे। चलिए अब इस ग्लास में डालते हैं आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने के बाद इसमें डालते हैं लस्सी जो हमने फेंट के रखा है। इस लस्सी में डालेंगे 3 टीस्पून रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा आप अपने स्वाद अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अब डालते हैं बाउंसिंग बॉल यानी सब्ज़े के बीज। मेरी छोटी सी प्यारी भतीजी है ताहा, वो इसे बाउंसिंग बॉल कहती है। आप सबसे के बीज यूज़ करते हो तो शायद आप जानते होंगे, जैसे कि इसे मुंह में डालते ही ये चबा नहीं सकते हैं, बस इधर से उधर घूमते रहते हैं मुंह में, इसीलिए मेरी भतीजी इसे बाउंसिंग बॉल कहती है। एक ग्लास में 2 से 3 चम्मच तक इस बाउंसिंग बॉल को डाल सकते हैं। इसे आप और कई तरीके के शरबतों में यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे। ये है स्पेशल लस्सी जो मेरी भतीजी मेरे लिए बनाती है। इसमें आइसक्रीम भी डालती है। आज मैं आइसक्रीम नहीं डालूंगी, आप चाहे तो आइसक्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब एक और मज़ेदार समर स्पेशल शरबत बनाएंगे। आइस जमाते वक्त मैंने इसमें कटे हुए नींबू को और मिंट लीव्स को डालकर जमाया है।
इस शरबत के लिए मिंट और नींबू वाले आइस क्यूब हम लेंगे। इस शरबत को जितना ठंडा करके पियेंगे उतना ही मज़ा आएगा, इसलिए इसमें आइस क्यूब ज़्यादा डालेंगे। अब इसमें मिंट वाले आइस क्यूब भी डालेंगे। अगर आपके पास मिंट और नींबू के आइस क्यूब नहीं हो तो आप प्लेन आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब डालते हैं फाइनली चॉप्ड वाटरमेलन। थोड़े से वाटरमेलन को मैश करके डालेंगे और थोड़ों को फाइनली चॉप करके डालेंगे। आप चाहे तो थोड़े से पीसेस को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। वाटरमेलन डालने के बाद 2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। अब डालते हैं फाइनली चॉप मिंट लीव्स। 1 टीस्पून शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर नींबू आप अपने स्वाद अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 पिंच नमक। आप चाहे तो थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। अब डालते हैं ठंडा पानी। पानी डालने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर और नमक अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ठंडा ठंडा मज़ेदार वाटरमेलन शरबत को आप समर में और इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट एक और मज़ेदार सा शरबत बना लेंगे। रूह अफ़ज़ा डालेंगे 3 टीस्पून। अब इसमें डालते हैं सब्ज़े के बीज, ये भी हम 3 चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी डालकर इस तरीके से भी पी सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अगर आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शुगर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने रूह अफ़ज़ा इसमें ज़्यादा डाला है, उसकी मिठास काफ़ी है। समर स्पेशल रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बन चुका है। चलिए अब हम ऑरेंज शरबत बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 टीस्पून ऑरेंज जूस। ये कैसे बनता है अगर आप जानना चाहो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑरेंज जूस डालने के बाद अब डालते हैं आइस क्यूब्स। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।